नमस्कार दोस्तों, आज हम ये देखने जाएंगे कि नो सर नो मैडम का एक छोटा सा विचार हमारे समाज के करोड़ों लोगों की जिंदगी में कैसे मेजर इम्पैक्ट लाता है। आप इन्हें क्या कहते हैं अपनी रोजाना जिंदगी में? सचिन साहेब, कटरीना मैडम, अर्णव सर, क्या हम उन्हें ऐसे बुलाते हैं या सिर्फ सचिन, कटरीना और अर्णव? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, सर एंड मैडम क्यों? अगर हम हिस्ट्री देखें तो 13वीं शताब्दी में सर एंड मैडम का उद्भव फ्रांस से हुआ और फ्रांस से ब्रिटेन होते हुए भारत में ये सर और मैडम पहुंचे। आज आजादी के 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी ये सर और मैडम हमारे ब्लड में, हमारे कल्चर में हैं। ऐसा क्यों? अगर आज भारत 103 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर सकता है, आज भारत में हम एप्पल, सैमसंग, मर्सिडीज, ऑडी जैसे ग्लोबल प्रोडक्ट यूज करते हैं और भारत में ही रह के हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो बीइंग प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होते हुए हमें सर और मैडम की जरूरत क्यों पड़ती? ऐसा कहा जाता है कि इट इज एज्यूम्ड टू शो रिस्पेक्ट। यह रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सर और मैडम कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं आपको सर और मैडम से संबोधित करता हूं तो मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूं, और अगर मैं सर और मैडम नहीं कहता तो मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं अपने सीनियर को, अपने मैनेजमेंट, अपने बॉस, प्रेसिडेंट को सर और मैडम न कहूं तो उनका ईगो हर्ट होगा, तो उनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे सर और मैडम मजबूरी में कहना पड़ता है। अगर मैं ये न कहूं तो मुझे जॉब से फायर कर दिया जाएगा या मेरी जॉब चली जाएगी। और कुछ लोगों को चापलूसी करना बड़ा पसंद है। आपने वो सर जी, मैडम जी वाले तो देखे ही हैं, जो चापलूसी करके अपना काम निकालना जानते हैं। और नाउडेज ये प्रिटी मच हर जगह मिलता है, हर एक सेंटेंस में सर मैडम अननेसेसरली, बिना आवश्यकता के सर एंड मैडम कहने का रिवाज हो चला है। आप कहीं भी किसी से बात कीजिए, फोन में बात कीजिए, तो सामने वाला आपको ऐसा ही कहेगा, ठीक है सर, आपका क्या नाम है सर, ओके सर, करता हूँ सर, आता हूँ सर। तो अननेसेसरली हर एक सेंटेंस में सर एंड मैडम कहते हैं। ये CID बड़ा ही एक फेमस सीरियल है। एक दिन रिसेंटली मैं यह एपिसोड देख रहा था, 43 मिनट की एपिसोड में ऑलमोस्ट 55 to 60 टाइम्स, 55 से 60 बार ये सर और मैडम कहने लगे। अगर आप सोचिए 55 से 60 टाइम्स इज इक्वल टू 55 to 60 सेकेंड्स, अर्थात इन्होंने तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट सेल्स की खो दी पर एपिसोड ऑलमोस्ट फॉर 60 सेकेंड। अगर उन्होंने 60 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू के लिए लगाए होते तो आज कुछ ज़्यादा बेनिफिट होता। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कोई आपको बेहतर रिटर्न नहीं देता है। तो ओवरऑल देखें तो ये सर और मैडम से क्या प्रॉब्लम है? पहला, यह एक वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन, कार्य करने की जगह में एक असमानता का जन्म देता है, जिससे रिड्यूस्ड प्रोफेशनलिज्म, आदमी प्रोफेशनल नहीं बनता लेकिन आदमी चापलूस बनता है
उसकी काम की क्वालिटी नहीं सुधरती, लेकिन वो चापलूसी करके कैसे काम करे यह होता है, या मजबूरी में उसे चापलूसी करनी पड़ती है। और जब फॉरेनर, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन POI और प्रोफेशनल्स भारत में आते हैं काम के लिए या लोगों से मिलने, तो उनको भी मजबूरी में सर एंड मैडम बोलने को कहा जाता है। एज अ प्रोफेशनल वो तो नेक टू नेक डील करना चाहते हैं, लेकिन जो जब वो सर और मैडम नहीं बोलते तो या तो उनके काम नहीं होते या तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आने वाले दो वीडियो के द्वारा हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ये नो सर नो मैडम कल्चर हमारी सहायता कर सकता है। इस व्यक्ति से आप बातचीत करना चाहते हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर, बॉस या अच्छे ओहदे वाला व्यक्ति, तो बड़ा क्वेश्चन ये है, आप उन्हें कैसे संबोधन करते हैं, उसे सर कहकर? क्या आपको लगता है कि सर या मैडम कहने से हमें वो अटेंशन मिलती है जो हम चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। लोग तभी नोटिस करते हैं जब उन्हें उनके नाम से पुकारा जाए, ना कि सर या मैडम कहकर। हम सबके एक नाम है और इसके पीछे एक बढ़िया कारण है, हमारा नाम हमें पहचान और इज्जत देता है, और जब आपको कोई आपके नाम से बुलाता है आप तुरंत उनसे लगाव महसूस करते हैं, जो कि सर या मैडम कहने से कभी नहीं हो सकता। तो पते की बात यह है कि व्यक्ति को उसके नाम से पुकारें और पहले कभी ना जुड़े ऐसे जुड़े। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा पॉइंट समझ लिया होगा दोस्त। जैसा कि आपने देखा कि जब हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं तो हम डायरेक्टली साइकोलॉजिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वह व्यक्ति हमारा दोस्त बन जाता है। और बिजनेस में तो कहा जाता है कि सेलिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो हमारा काम बड़े अच्छी तरह से हो सकता है। आजकल क्या हो रहा है, वर्क प्लेस में काम करने की जगह पे एक जूनियर व्यक्ति सीनियर व्यक्ति के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वह चीजें अच्छे से शेयर नहीं कर पाता। लेकिन जब हम यह सर और मैडम को निकाल देते हैं तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, व्यक्ति चीजें आसानी से शेयर करने लगता है। तो अगर आप बिगर पिक्चर में एक टीम इन्वायरमेंट में देखें तो यह नो सर नो मैडम कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम की कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, एनर्जी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में इसे चेंज मैनेजमेंट भी कहते हैं, जहां बिना पैसा डाले ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जो हर सेंटेंस में हम सर और मैडम कहते हैं, क्या वह कहना जरूरी है, और नहीं तो उसके क्या ऑप्शन हमारे पास हैं। जब आप अपने बॉस के साथ मीटिंग में होते हैं तो क्या हर सेंटेंस में यस सर या नो सर कहते हैं? क्या आप अपने बॉस को रेस्पेक्ट दिखाने के लिए ऐसा करते हैं? आजकल ऑफिस एनवायरनमेंट में हायरार्की की जगह लोग फ्रेंडली और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट पसंद करते हैं। आप सर और मैडम की जगह ओके फाइन ठीक है या समझ में आ गया कह सकते हैं। अब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको चापलूस बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्या कहती हो वंदिता? सही है नितिन। तो आइए अपने ऑफिस से इन अजीब सी फॉर्मेलिटीज को दूर करें और एक फ्रेंडली और म्यूचुअल रेस्पेक्टफुल माहौल बनाएं। इनफॉर्मल को गले लगाएं और सर या मैडम को भूल जाएं।
दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम ओके, फाइन, ग्रेट, ठीक है कह सकते हैं और हर सेंटेंस में सर एंड मैडम का उपयोग की जगह हम इन्हें उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें तो हमारे कल्चर में नमस्ते, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं, वे एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, अर्थात यह टू वे कम्युनिकेशन है। जबकि सर और मैडम में जो सर साहेब बॉस होता है वो सीधा खड़ा होता है और दूसरा उसको बो या प्रणाम करता है, तो यह एक प्रकार का वन वे कम्युनिकेशन हुआ। ये जो नो सर नो मैडम कल्चर है यह भारतीय परंपरा के अनुरूप है। यह कहता है कि गिविंग रिस्पेक्ट इज मैंडेटरी, अर्थात रिस्पेक्ट देना जरूरी है। हाउएवर, कॉलिंग पीपल सर एंड मैडम इज नॉट नेसेसरी, किसी को सर और मैडम कहना जरूरी नहीं है। हम अपने आसपास देखें तो मालूम पड़ता है हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग एक दूसरे को ए जी, ओ जी, सुनो जी, प्रेम के पापा, डॉली की मम्मी ऐसा कहकर संबोधित करते थे या करते हैं। लेकिन इस 21वीं शताब्दी में आजकल की भारतीय नारी अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड या अपने फियांस को उसके नाम से बुलाना पसंद करती हैं। वे मानती हैं कि वे जब उन्हें उनके नाम से बुलाती हैं तो चीज़ें अच्छी तरह से शेयर कर सकती हैं और बड़े ही सहज रिलेशनशिप रहते हैं। अगर हम इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना रहे हैं तो फिर काम करने की जगह पे ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस कौश के शुरू होने के पश्चात किसी व्यक्ति ने गुजरात में आरटीआई की और गवर्नमेंट से पूछा कि क्या हमें गवर्नमेंट में हर किसी को सर एंड मैडम कहना चाहिए। बड़ा ही सुंदर सा आरटीआई का रिप्लाई आया। गवर्नमेंट ने कहा कि उसकी कोई भी रूल बुक में लिखा नहीं है कि आपको सर और मैडम कहना पड़ेगा, और आप किसी को सर और मैडम नहीं कहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। नो सर नो मैडम कैंपेन के शुरू होने के पश्चात 26 जनवरी 2015 में मीडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज थी। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुलाया। नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा कि जब मैंने उन्हें बराक कहकर संबोधित किया, हम दोनों दोस्त बने, हमारी दोनों कंट्रियां भी एक दूसरे की दोस्त बनी और हमने अच्छे रिलेशनशिप और डील्स आपस में बनाए। तो जब हमारी सीनियर लीडरशिप इसे एक्सेप्ट कर रही है तो पूरे देश में इसे इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इश्यू है, तो आइए देखते हैं भारतीय परंपरा के अनुरूप हमारे पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया अर्थात पंजाब, दिल्ली उस साइड जाए तो देखते हैं कि जी का प्रचलन है, सुनील जी, सुमित जी, सुरेश जी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अर्थात बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जाएं तो रमेश भैया, सुरेश भैया, उस टाइप का कल्चर है। साउथ के प्रदेशों में जाए तो मिस्टर पटेल, मिसेस सिंह, मिस दवे, उसका कल्चर है। और अगर हम वेस्ट में जाएं,
गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे भाई विजय भाई, अमित भाई, रमेश भाई, उसका कल्चर है। तो हमारे कल्चर के हिसाब से हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, तो फिर सर और मैडम साहब की जरूरत क्यों है? तो अगर इस पूरी बात का हम सारांश ले तो हमें यह मालूम पड़ता है कि ये नो सर नो मैडम जो कल्चर है वह इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है, दोनों व्यक्ति के म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है और कहता है कि वर्क प्लेस में हर एक बंदे और के काम की वैल्यू है, हर एक बंदे का इंपॉर्टेंस है और हर एक बंदे को इक्वल रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, अर्थात जिसके द्वारा वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, काम करने की जगह में जो भेदभाव होता है उसको रोका जा सकता है। इसके साथ ही यह नो सर नो मैडम का कल्चर भारत की एक समस्या रिजर्वेशन कही जाती है उसको भी सॉल्व करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका प्राइमरी जॉब, उसकी जो जॉब की ड्यूटी है वह सिक्योर करना है उस जगह को, न कि सलाम ठोकना है और दूसरे काम करना है। क्योंकि हम उससे ये सब काम कराते हैं तो उसमें एक हीनता की भावना आ जाती है, वह व्यक्ति दूसरों से कनेक्ट नहीं हो जाता। और जब हम उसे कहते हैं कि भैया आप भी अपने कस्टमर, मैनेजर, बॉस को उनके नाम से बुला सकते हैं, आपके काम का इंपॉर्टेंस है, तो आप देखिए उस व्यक्ति को कितना कॉन्फिडेंस मिल जाता है। वह व्यक्ति भी सोचता है कि आज मैं, मेरे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं और मैं भी एक दिन किसी कंपनी का ऊंचे ओहदे वाला व्यक्ति या बॉस, प्रेसिडेंट बन सकता हूं। तीसरा, जब भी हम इलेक्शन में देखते हैं, जब उनके रिजल्ट आते हैं और गवर्नमेंट फेल होती है, तो कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, अर्थात गवर्नमेंट का पब्लिक के साथ जो संबंध या कनेक्शन होना चाहिए वो नहीं रहा, इसलिए वह गवर्नमेंट चुनाव हार गए। तो यह एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको गवर्नमेंट को और जनता को कनेक्शन प्रदान करता है। जनता भी सोचेगी कि यह गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट है, हम इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं। दोस्तों, जब एक गरीब व्यक्ति मिडिल क्लास, बिजनेस क्लास गवर्नमेंट में जाकर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे वह बाबू चपरासी हो या कलेक्टर कमिश्नर हो, उसे उनके नाम से बुलाए, तो क्या आपको लगता है कि टेबल की दूसरी तरफ बैठा हुआ गवर्नमेंट का अधिकारी भारतीय जनता से पैसा या ब्राइब मांग सकता है? तो यह नो सर नो मैडम का कल्चर करप्शन को सॉल्व करने में गवर्नमेंट की मदद कर सकता है। लेकिन कैसे, हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करें, यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो हम उसकी शुरुआत अभी से कर सकते हैं। आप इसे सुनने के बाद लॉजिकली विचार करिए और इसे अडॉप्ट करिए अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में। नो सर नो मैडम का कल्चर आप यूज कीजिए और इसको अडॉप्ट करने के बाद आप एक निश्चय कीजिए कि साल में 25 से 30 लोग, चाहे वो चाय वाला हो, डिब्बे वाला हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, रिलेटिव हो, फैमिली फ्रेंड्स हो, आप उन्हें एजुकेट करें, आप उन्हें समझाएंगे। तो इस तरह एडॉप्शन और एजुकेशन के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को भी बड़ा एक्टिव रोल निभाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सर मैडम साहब कहने की
कोई जरूरत नहीं है और यह एक गुड गवर्नेंस की तरफ बहुत ही बड़ा अच्छा कदम माना जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में यह अपने एम्प्लॉई को कह सकते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आप मुझे अपने नाम से बुलाएं, मुझे तो सिर्फ आपके काम से मतलब है, और इस तरह हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किसी ने अच्छी बात कही कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे दिमाग में सर एंड मैडम डाला जाता है और इवेंचुअली हर सेंटेंस में, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो हम अपनी शिक्षण प्रणाली में कुछ प्रोग्रेसिव चेंज कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वे अपने टीचर को मिस्टर शर्मा, मिस पटेल, मिसेस सिंह लास्ट नेम से बुला सकते हैं। उन्हें हर सेंटेंस में सर और मैडम कहने की जरूरत नहीं है। भारत के कुछ बड़े ही अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कुछ आईएम में हमने सुना है कि प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वे उन्हें उनके नाम से बुलाएं। वे चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जब पढ़ाई कर रहे हो तभी से प्रोफेशनल हो और नेक टू नेक डील करें। तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फर्स्ट नेम का कल्चर धीरे धीरे शुरू हुआ है, लेकिन भारतीय कल्चर को समझते हुए हम लास्ट नेम से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि ये जो सर एंड मैडम ग्रास रूट लेवल से शुरू होते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं वो रिमूव हो सके। दोस्तों, आखिर में याद रखिए, हमारे काम करने की जगह पे बीइंग प्रोफेशनल, हमें न नजरे उठा के बात करनी है न नजरे झुका के बात करनी है, हमें नजरे मिला के बात करनी है। धन्यवाद। नमस्ते।